जिला स्वास्थ्य अधिकारी सीएमओ डॉक्टर ब्रह्मदीप सिंह ने बताया कि उन्हें सूचना मिल रही थी कि दिल्ली में कुछ अज्ञात ग्रह गर्भ में लिंग का पता लगवाने के अवैध काम में संलिप्त है। स्वास्थ्य विभाग ने इस गुप्त सूत्र की सूचना के आधार पर डॉक्टर प्रवीण कुमार एसएमओ अलावलपुर की अध्यक्षता में एक जांच टीम का गठन किया। बुधवार को एक गर्भवती महिला को एक बिचौलिए के माध्यम से उसके गर्भ में पल रहे बच्चे के लिंग की जांच करवाने के लिए दिल्ली की रहने वाली बिचौलिया महिला से संपर्क कर भेजा। गर्भलिंग जांच का मामला 65,000 रुपये में तय हो गया और बिचौलिए ने गर्भवती महिला को बुधवार की रात 3 बजे दिल्ली बुलाया। दिल्ली में पहुंचने पर बिचौलिया दो महिला मिली और वो कभी लोनी घुमाती तो कई कहीं और। उसके बाद बागपत यूपी के बड़ौत ले गए और महिला से 65,000 रुपए ले लिए, जिसके बाद अन्य महिला इस ग्रोह में शामिल हो गई और एक अन्य बिचौलिए को बुलवाया। वह महिला गलियों के रास्ते से होते हुए बागपत के बड़ौत स्थित राणा नर्सिंग होम में लेकर पहुंचे। सीएमओ डॉक्टर ब्रह्मदीप सिंह ने बताया कि बागपत यूपी के बड़ौत स्थित राणा नर्सिंग होम में लगी मशीन से महिला का गुरुवार को सुबह करीब 7:30 बजे अल्ट्रासाउंड किया गया और उसके गर्भ में पल रहे लिंग के बारे में बता दिया। इसके बाद इशारा मिलते ही जिला स्वास्थ्य विभाग की टीम ने स्थानीय टीम व पुलिस के सहयोग से राणा अस्पताल में दबिश देकर 5 महिला बिचौलिया व एक पुरुष को धर दबोचा, जिनसे तलाशी के दौरान गर्भवती महिला द्वारा दिए गए 65,000 रुपए बरामद किए गए। नर्सिंग होम में छापेमारी के दौरान वहां से एमटीपी किट, गर्भपात से जुड़ी 100 दवाइयां व काफी संख्या में गर्भपात से जुड़े औजार भी मिले। बड़ौत पुलिस ने उक्त सभी आरोपियों के खिलाफ पीएनडीटी एक्ट में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। बताओगे रेड मारी है, क्या कुछ सफलता मिली है स्वास्थ्य जी? जिला पनवल में इस प्रकार की शिकायत आ रही थी कि कुछ ऐसा गिरोह है जो कि एक्टिव है, जो सेक्स डिटेक्शन का पीएनडीटी एक्ट के अंडर इलीगल कार्रवाई उसके ऊपर चल रही थी। तो हमारे ज़िले के अंदर हमने ढूंढा कि ऐसा कोई अल्ट्रासाउंड सेंटर नहीं ढूंढ पाए जो कि इस तरीके की एक्टिविटी कर रहे हैं, लेकिन आस पड़ोस के जिलों में ऐसा सुनने में आया। तो हमने इसके लिए एक डिकॉय कस्टमर तैयार करके जो प्रेग्नेंट लेडी है उनको और टाउट के माध्यम से संपर्क किया और जो टाउट थे उन्होंने 65,000 रुपये की डिमांड की इसके लिए और कहा कि हम वो जांच करा देंगे, लिंग जांच करवा देंगे बच्चे की पेट के अंदर, और वो वहाँ से लेके गए। इस सब में उन्होंने लगातार समय देते रहे कि आज नहीं करेंगे, कल करेंगे, आधार कार्ड पहले दीजिए, इस प्रकार से वो रोज बदलते रहे। फाइनली उन्होंने कल रात को ये बोला कि आप रात को 3 बजे आ जाइए और हम रात को 3 बजे ये करवा देंगे, जेंडर आइडेंटिटी बता देंगे उसकी करवा के। तो टीम रात भर लगी रही और 3 बजे वहाँ पर पहुँच गई। 3 बजे इस सब में लगभग बदलते रहे, वो एक टाउट दूसरे पे, दूसरे से तीसरे पे, इस प्रकार से लेकर जाते रहे। कुल मिलाकर 6 लोग इस सब के अंदर जुड़े हुए थे और वो वहाँ से बड़ौत बागपत जिले के अंदर ले गए, जो कि हरियाणा के एडजॉइनिंग जिला है सोनीपत के पास, वहाँ पर ले गए। और वहाँ पर उन्होंने लिंग की जांच करने के बाद में बताया, बच्चे का लिंग बता भी दिया और उसके बाद में वहाँ की लोकल टीम को भी हमने साथ में इन्वॉल्व किया बागपत जिले की, उन्होंने पूरा इसके लिए कॉपरेट किया है और उनके साथ में जॉइंट इंस्पेक्शन की गई जब उस सेंटर की, तो उस वहाँ पर वो जो 65,000 रुपये उनको दिए गए थे वो उनके पास से बरामद हो गए हैं। और साथ में और चेक करने पर ये पाया गया कि वो कोई लीगली MTP सेंटर नहीं था, लेकिन वहाँ पर MTP की 25 किट्स और लगभग 100 MTP की दवाइयाँ और जो MTP में यूज़ होने वाले इंस्ट्रूमेंट्स काफ़ी मात्रा में वहाँ पर मिले। हो सकता है कि वो लगातार इस प्रकार का कार्य वहाँ चल रहा हो, जो कि लिंग जांच भी करते हैं और उसके बाद में गर्भपात भी करते हैं। इसके बाद में जॉइंट इंस्पेक्शन दोनों की, जिला बागपत स्वास्थ्य विभाग और जिला पलवल स्वास्थ्य विभाग की जॉइंट टीम ने उस अल्ट्रासाउंड मशीन को सील कर दिया है और जितने भी प्रूफ वहाँ पर मिले हैं वो सारे के सारे साक्ष्य इकट्ठे कर लिए गए हैं और इस संदर्भ में पुलिस के द्वारा FIR की कार्रवाई की जा रही है। कितने समय से ये चल रहा था वहाँ पे? अभी कार्रवाई चल रही है, लगभग 1 या 2 साल के आसपास का है, लेकिन कार्रवाई एग्जैक्ट फिगर जो उसकी आने में है समय लगेगा, लेकिन ऐसा लगता है कि ये काफ़ी लंबे समय से इस प्रकार का कार्यों में लिप्त थे। क्या कोई नर्सिंग होम में चला रहे थे या कैसे, क्या नाम था उसका? अंदर एक डायग्नोस्टिक सेंटर था। किस नाम से? राणा डायग्नोस्टिक सेंटर के नाम से बड़ौत के अंदर। तो कितने जो काबू किए आपने, कितने लोगों को? जो दोनों जॉइंट इंस्पेक्शन टीम ने 6 लोगों को इस के अंदर आइडेंटिफाई किया है और 6 के 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इसमें जो डायग्नोस्टिक जो सेंटर है उसका कोई मालिक भी? अभी क्योंकि वो टीम जॉइंट, हम इस समय बात कर रहे हैं, अभी भी जॉइंट टीम वहाँ पे कर रही है, मालिक से अभी तक
बात नहीं हुई है, मालिक वहाँ पे उपलब्ध नहीं है, लेकिन मालिक को भी इस सब के अंदर इन्वॉल्व किया जाएगा, उनकी भी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बनती है। क्या इन 6 आरोपियों में कोई महिला भी शामिल है? मुझे अभी समय चाहिएगा जी, ये 6 में महिला है कि नहीं है, लेकिन हमारी टीम के अंदर जरूर महिला है। हमारी टीम के अंदर एक महिला अधिकारी को भेजा गया है, जो रात होने के बावजूद भी हम उनको भेजा, और साथ में पुलिस है, और साथ के अंदर हमारे जो टीम लीडर हैं वो हैं, और ड्रग कंट्रोल ऑफिसर है, ये 4 लोगों की टीम है, और साथ में पुलिस विभाग के 6 लोग और भी हैं। टीम में कितने सदस्य हैं? हमारे हमारे कुल मिला के 4 लोग हमारे यहाँ से गए हैं, और 6 लोग पुलिस विभाग से भी, सब लोगों की एक ज्वाइंट टीम थी।